अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक ग्रामीण रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड से है। बेसिकली हम एक टर्नकी वेस्ट सॉल्यूशन कंपनी है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स और सोलर इक्विपमेंट्स, आपको इन्वर्टर चाहिए हो, सोलर पैनल चाहिए हो, ईच एंड एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन आवर साइट। हमारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीन जगह ऑफिस हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी अर्से से आप लोगों की बड़ी क्वेरीज आती है नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के बारे में, जो इन्वर्स कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है। तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन के हालत में आज आप लोगों को नेटवर्क्स के बारे में कुछ बताया जाए। तो मैंने ये इन्वर्टर अपने पास लगाया, इट्स नॉट लाइक कि प्रोफेशनल लगा हुआ है, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए ये एक इन्वर्टर लगाया है। इसके साथ मैंने एक ही ऊपर 200 वाट का बल्ब लगाया है, एक मेरे पास ये चार बैटरीज लगी हुई हैं, इन्वर्टर कंपनी की ही हैं। ये मेरे पास लोडर है 3 किलोवाट का। ये बेसिकली हम लोड टेस्ट करने के लिए करते हैं। इसमें आप 500, 200, 500, 1000 वाट, 3000 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। बेसिकली सॉरी, ये 5 किलोवाट तक का लोडर है। ये हमारी सोलर सिम्युलेटर है। इससे ये होता है कि देखें, इस वक्त शाम के तकरीबन कोई 5 बजे का टाइम है, तो इस वक्त सोलर तो नहीं हो सकता, और सोलर उस तरह हो भी नहीं सकता इस तरह का हम चाहते हैं। कभी हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो, कम हो, तो मैंने ये सप्लाई लगाई हुई है ताकि मैं इसको सोलर दे सकूँ। तो ये समझने मेरा सोलर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए, इसको हम ऑन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर, नाइट्रॉक्स के अंदर एक स्मार्ट लोड ऑप्शन भी है, जो कि मैं आपको बताऊँगा स्मार्ट लोड क्या है। स्मार्ट लोड क्या होता है कि लेट सपोज मेरे घर में एक पानी की मोटर है, जिसको मैं चाहता हूँ कि जब मेरा सोलर इतने वॉट से ऊपर जाए, यानी मेरे घर का लोड चल रहा है 1000 वॉट और मेरी पानी की मोटर है 1500, मैं कहता हूँ जी मैं 1000 वॉट से जब सोलर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके तो मेरी वो पानी की मोटर चल जाए और मेरा पानी भर दे, ताकि दिन में मेरा जो भी इक्विपमेंट सोलर से चल सकता है वो बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा चले। या मैं कहता हूँ कि मेरे कमरे का या ड्राइंग रूम का एक एसी है, जो कि मैं कहता हूँ जी अगर सोलर ज़्यादा हो तो वो एसी चल जाए, सोलर मेरा कम हो तो वो एसी बंद हो जाए। तो वो ऑप्शन इस नाइट्रॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ग्रिड इनपुट की तार है, ये इसकी आउटपुट है, आउटपुट पे हमने लोडर डाला हुआ है, और ये स्मार्ट लोड है जिसको आप जनरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर की इनपुट अगर आपने देनी हो, जनरेटर को ऑटो स्टार्ट कराना हो, कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरी लाइट लंबी गई, रात के 7 बजे लाइट चली गई, 11 बजे दोबारा लाइट आ गई, फिर 12 बजे चलेगी, मेरी बैटरियाँ चार्ज नहीं है, और बाद बैटरियाँ 1 बजे जाके बंद होना शुरू हो गई, तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक जनरेटर के ATS को सिग्नल्स देगा, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, इसको चार्ज करेगा, साथ आपके घर का लोड भी चलाएगा। जब चार्जिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी, आपने इसको रिफाइन कर दिया कि जी मैं इतने परसेंट बैटरी से मेरे जनरेटर को दोबारा ऑफ कर दे, आपके जनरेटर को दोबारा ऑफ कर देगा, फिर से बैकअप देना शुरू हो जाएगा, या इतनी देर में अगर लाइट आ गई तो खुद ब खुद बैकअप पे हट जाएगा। सो आज हम इसको टेस्ट करते हैं कि स्मार्ट लोड कैसे चलता है। इसको ऑन करते हैं, ये इसका मैंने सिम्युलेटर ऑन कर दिया, ये मैंने सोलर की सप्लाई ऑन कर दी, और ये मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया। अब ये इन्वर्टर ऑन होगा, यहाँ पे आपको सारा डाटा आएगा। ये इसका स्मार्ट लोड है, ये नॉर्मल लोड है, लोड हमने अभी नहीं डाला। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं, तो इस वक्त 2 PVs लगाई हुई हैं, 1 PV से 155 वोल्ट आ रहे हैं और 0 एम्पेयर हैं, दूसरी अभी मैंने स्टार्ट की है, अभी स्टार्ट हुई नहीं है वो। मैं ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया इसका बटन। अब ये देखिए दूसरी भी स्टार्ट हो गई है, पहली भी स्टार्ट हो गई है, 300 वोल्ट एक जगह आ रहे हैं, 347 एक जगह है, ये 759 वाट प्रोड्यूस कर रही है, 121 प्रोड्यूस कर रही है। अब ये इन्वर्टर स्टार्ट हो चुका है, अब उसको थोड़ा सा लोड देते हैं। मैंने यहाँ से लोडर ऑन किया, और लेट सपोज इसको हम 1000 वाट का लोड देते हैं, यहाँ पर देखिए आपके लोड आ जाएगा अराउंड 890 वाट का लोड है। ये तकरीबन 1 किलोवाट का लोड है, इसका प्रोड्यूस कर रहा है 1.54 किलोवाट। देखिए 1248 वाट एक पीवी प्रोड्यूस कर रही है, 285 वाट 285 एक प्रोड्यूस कर रही है, सो अराउंड 1.5 किलोवाट इस वक्त मेरे पास जनरेशन हो रही है। अब मैं जाऊंगा जनरेटर बोर्ड में, यहाँ पे मैंने स्मार्ट लोड ऑन कर दिया कि 1000 वाट से ज़्यादा हो, और बैटरी के वोल्टेजेस 52 पे ये ऑफ हो जाए, 55 पे ये ऑन हो जाए, और ये स्मार्ट लोड है, मैंने इसको ऑन कर दिया। ये देखिए स्मार्ट लोड ऑन हो गया। अब ये 200 वाट का बल्ब क्यों चल रहा है, क्योंकि आपकी पीवी ज़्यादा है, आपकी बैटरी फुल हो चुकी है और स्मार्ट लोड ऑन हो चुका है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ये बैटरी को पूरा चार्ज करेगा, जब आपकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी उसके बाद आपके स्मार्ट लोड को ऑन करेगा। लेट सपोज अब हम एक और आपको जगह करके दिखाते हैं, हमने ये पीवी बंद कर दिया, अब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होगी, लोड हमारा एज इट इज चल रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो
ये बल्ब मेरा और ये लोड मेरा एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा 1.4 किलोवाट, 200 वाट स्मार्ट लोड और 1200 वाट वैसे लोड। अब ये बैटरी जैसे जैसे गिरेगी, अब देख रहे होंगे आप, ये बैटरी बता रही है कि इस वक्त 1616 वाट बैटरी से निकल रहे हैं क्योंकि पीवी बंद हो चुका है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कुछ देर बाद जब ये आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी मैं कहता हूँ समझिए पीवी चली गई, इसमें बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी, आपका सबसे पहले स्मार्ट लोड बंद होगा। स्मार्ट लोड बंद होने का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा लोड था जिसकी आपको घर में ज़रूरत नहीं थी वो बंद हो गया, अब आपका बकाया लोड एज इट इज चलता रहेगा बैटरी से। और उसके बाद जब बैटरी खत्म होने वाली होगी, आपने उसको बता दिया कि बैटरी भी ग्रिड से चार्ज करना, तो ग्रिड से चार्ज करना शुरू कर देगा। तो वेट करते हैं, ये देखिए स्मार्ट लोड यहाँ पर आइकन ऑन है, थोड़ी देर बाद स्मार्ट लोड ऑफ हो जाएगा, और अभी आपकी ये 1.62 किलोवाट बैटरी से निकल रहा है। 1.48 इसका अपना लोड, 200 वाट स्मार्ट लोड, ये देखिए। और ये मिनट नहीं लगे आपके सामने, स्मार्ट लोड सबसे पहले इसने ऑफ किया, दूसरा लोड मेरा एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अब 1.2 किलोवाट का लोड रह गया, 1.2 किलोवाट एज इट इज चल रहा है, स्मार्ट लोड आपका ऑफ हो गया। अब फिर से हम इसका स्मार्ट लोड काम, इसके पीवी की चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, हमने पीवी ऑन कर दिया। देखिए ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बट बात ये आपको समझना है, स्मार्ट लोड एक ऐसा ऑप्शन है जो अक्सर हम सोचा करते थे कि यार जब सूरज पूरा होगा तो मैं एसी को इस पर चला लूँगा, जब सूरज कम होगा तो मैं एसी को अपनी बिजली पर चला लूँगा, तो इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वर्टर खुद ब खुद सब कुछ करेगा। तो देखिए आप, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, पीवी 2.5 किलोवाट हो चुकी है, 1.24 का मेरा लोड चल रहा है, बैटरी इस वक्त मेरी चार्ज हो रही है, अगेन ये बैटरी पूरी चार्ज होगी, इट विल टेक सम टाइम, और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी 100% को रीच कर जाएगी तो उसके बाद दोबारा थोड़ी देर बाद मेरा स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि आपके सामने लेट सपोज। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, नाइक्रॉस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थिंग का अलग पॉइंट दिया हुआ है, न्यूट्रल लाइन इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है, ये स्मार्ट लोड है, ये इसके सेंसर्स की तारें हैं, यानी कि इसका जब आप बॉक्स खोलते हैं ना तो इसमें से सेंसर्स भी निकलते हैं। इसके साथ मैंने नीचे देखे कि तो वाईफाई मॉनिटरिंग भी लगाई हुई है, आप वाईफाई पर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि इस वक्त आपका क्या लोड चल रहा है। लेट सपोज देखिए मैंने आपके पास मोबाइल पर डाला हुआ है, तो मैं आप लोगों को अपने मोबाइल पर दिखाता हूँ, नीचे दिखे विंडो में देखेंगे तो ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये मोबाइल पर भी किस तरह की आ रही होती है। ये देखें ये इस तरह का ग्राफ मोबाइल पर आ रहा है, नाइट्रॉक्स मेरे पास लगा हुआ है, और ये इस वक्त बता रहा है कि बैटरी 100% है, 292 वॉट दे रही है, कंजप्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन है आपकी, ये देखो। तो ये नाइट्रॉक्स है, इस तरह आ रहा है आपके पास, ये मैंने डेमो के नाम से बनाया था अकाउंट, ये डेमो है। तो इसी तरह ये रिमोट मॉनिटरिंग भी है इसकी, अभी बैटरी चार्ज हो रही है, 57.9 वोल्ट है, जैसे ही बैटरी हमारी 100% पर दोबारा रीच होगी स्मार्ट लोड दोबारा से ऑन हो जाएगा। ये देखिए स्मार्ट लोड दोबारा से ऑन हो गया, ये आपकी क्योंकि बैटरी ऊपर रीच कर चुकी है, यहाँ पर स्मार्ट का आइकन आ गया, ये स्मार्ट लोड आपका ऑन हो चुका है, इट्स मीन्स कि ये स्मार्ट लोड को इसने खुद ब खुद ऑन करा दिया, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई। तो गाइस ये आज मैंने आपको बताया कि स्मार्ट लोड कैसे होता है, इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये बैटरी कैसे सेंस करता है और बैटरी आप चार्ज कैसे कर सकते हैं और बिजली से कैसे चार्ज कर सकते हैं, बिजली से चार्जिंग बंद कैसे कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।